यूं तो कलर्स टीवी पर बहुत से शोज आए और गए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उन 8 शोज के नाम बताएंगे जो आपको बहुत ही जल्द कलर्स टीवी पर लॉन्च होते नजर आएंगे। तो कौन से हैं वो 8 शोज जो बहुत ही जल्द होंगे कलर्स टीवी पर ऑन एयर, आइए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं उन 8 शोज के नाम। इस लिस्ट में पहले अपकमिंग शो का नाम है जुनूनियत, जो कि ड्रीमियाता क्रिएशन प्रोडक्शन हाउस का शो होगा, जो कि इससे पहले उडारियां और स्वरण घर जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो के मेन लीड्स की, तो इस शो के मेन लीड्स के लिए अंकित गुप्ता, गौतम विक और नेहा राणा का नाम सामने आया है। अंकित गुप्ता और गौतम विक हाल ही में कलर्स टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 16 जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि नेहा राणा सोनी टीवी के पॉपुलर शो इश्क पर जोर नहीं जैसे पॉपुलर शोज में भी काम कर चुकी हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में दूसरे शो का नाम है छोटी सरदारनी, जो कि करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसके पहले सीजन में हमें निमृत कौर, अविनेश रेखी, माहिर पांडी, अमनदीप सिद्धू और गौरव बजाज जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए। इस शो ने टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे 3 साल तक राज करने के बाद 10 जून 2022 को पूरे 810 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। आप इसके न्यू सीजन को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में तीसरे शो का नाम है अग्नि साक्षी, जो कि होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च। इस शो को 23 जनवरी 2023 से 9 PM के टाइम स्लॉट पर कलर्स टीवी पर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हमें शिविका पाठक जीविका रानी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी, जबकि इनके अपोजिट आशय मिश्रा सैत्विक भोसले का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। आप इस न्यू शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में चौथे शो का नाम है इश्क में घायल, ये शो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जिसको बियॉन्ड ड्रीम प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करेगा। इस शो में हमें कश्मीर महाजनी, करण कुंद्रा, रीम शेख, रूप शर्मा और रीना रानी जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। ये शो फरवरी 2023 में कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा, जो कि एक वीकेंड शो होगा। आप इस न्यू शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमी शोज की इस लिस्ट में पांचवें शो का भी नाम तो रिवील नहीं हुआ, बट ये शो ब्यूटी एंड द बीस्ट का रिमेक वर्जन होगा, जिसको बालाजी टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करेगा, जो कि कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा, जिसके मेन लीड के लिए कुशाल टंडन और ईशा सिंह को फाइनलाइज किया गया है। अगर बात करें कुशाल टंडन की, जो कि बिग बॉस और 1000 में मेरी बहना है जैसे पॉपुलर शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं, जबकि ईशा सिंह इससे पहले इश्क सुभान अल्लाह और इश्क का रंग सफेद जैसे पॉपुलर शोज में भी काम कर चुकी हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में छठे शो का नाम है कुबेरन हाउस स्टार्टअप का बाप, ये शो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जो कि सोनी टीवी के शो शार्क टैंक इंडिया की तरह का एक बिजनेस बेस्ड रियलिटी शो होगा। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में सातवें शो का नाम है खतरों के खिलाड़ी, जो कि करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसका लास्ट सीजन तुषार कालिया ने अपने नाम किया था। आप खतरों के खिलाड़ी के इस न्यू सीजन को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में आठवें और आखिरी शो का नाम है मॉल की, जो कि करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसके पहले सीजन में हमें प्रियल माहजहां, अमर उपाध्याय, अनुष्का शर्मा और ऋत्विक गुप्ता जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए। इस शो ने टेलीविजन स्क्रीन पर तकरीबन 2 साल तक राज करने के बाद 11 फरवरी 2022 को पूरे 322 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में कौन सा शो है आपका फेवरेट, अपनी ओपिनियंस करें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।